तमिलनाडु के चार जिलों में कई जगह एनआईए की छापेमारी। अंसारुल्लाह आतंकी ग्रुप के 16 लोगों को कल हिरासत में लिया गया था। 14 लोग दुबई से डिपोर्ट किए गए, दो की गिरफ्तारी चेन्नई से हुई। कर्नाटक में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। कांग्रेस और जनता दल सेक्यूलर ने दी है याचिका। कांग्रेस और जेडीएस की राज्यपाल की फ्लोर टेस्ट की चिट्ठी के खिलाफ अर्जी। कांग्रेस ने कहा पार्टी विधायकों को व्हिप जारी करने से नहीं रोका जा सकता। कर्नाटक में विश्वास मत की कार्यवाही सोमवार तक के लिए टाली गई। शुक्रवार रात 8 बजे तक चली विधानसभा की कार्यवाही। बीजेपी ने वक्त को खींचने का आरोप लगाया। कर्नाटक हुआ के बाद महाराष्ट्र बीजेपी का दावा। राज्य में विपक्ष के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सोनभद्र जाने के लिए अड़ी प्रियंका वाड्रा। उमस भरी गर्मी में चुनार के किले में काटी रात। योगी सरकार के खिलाफ प्रियंका का धरना जारी। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा मैं नरसंहार का दंश झेल रहे गरीब आदिवासियों से मिलने उनकी व्यथा कथा जानने आई हूं। जनता का सेवक होने के नाते मेरा धर्म है और नैतिक अधिकार। बिहार के छपरा में मॉब लिंचिंग के मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पशु चोरी के आरोप में भीड़ ने 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। आरजेडी ने कहा नीतीश सरकार से लोगों का भरोसा उठा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जबरन जय श्रीराम बुलवाने के लिए मारपीट का आरोप। मुस्लिम युवक की शिकायत पर केस दर्ज। पुलिस ने शुरू की जांच। आज से कारगिल विजय दिवस समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक में श्रद्धांजलि देंगे। कठुआ और सांबा में 2 पुलों का भी उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों पर बोले राज्यपाल। 3 से 5 दिन तक बढ़ाया जा सकता है संसद का बजट सत्र। सोमवार को होगा आखिरी फैसला। ट्रिपल तलाक बिल को इसी सत्र में पास कराने की है कोशिश। बीजेपी के संगठन चुनाव के लिए पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह बनाए गए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी। विनोद सोनकर, हंसराज अहिर और सीटी रवि होंगे सह चुनाव प्रभारी। पश्चिम बंगाल में आसनसोल की मेयर की पत्नी शिव पूजा कर रही महिलाओं के बीच पहुंची। भजन कीर्तन के लिए माइक सेट बांटे। मेयर की पत्नी की शिव भक्ति पर बीजेपी नेता ने उठाए सवाल। कहा तृणमूल कांग्रेस हार की हताशा में अब धर्म का सहारा ले रही। गृह मंत्रालय ने पिछले 5 साल में 1083 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। काम भ्रष्टाचार और आचरण के आधार पर यह कार्रवाई की। राजस्थान के पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग के 3rd वर्जन का कामयाब टेस्ट डीआरडीओ ने तैयार किया। बिहार में बाढ़ की वजह से 1,14,000 लोग राहत शिविरों में पहुंचे। राज्यभर में एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई। कई महीनों से मुंबई में चल रही 10% पानी की कटौती रद्द की गई। पानी की सप्लाई करने वाली झीलों में 51% पानी जमा होने के बाद लिया गया फैसला। केरल और कर्नाटक में आज तेज बारिश की आशंका। महाराष्ट्र के विदर्भ मराठवाड़ा के अलावा पूर्वी राजस्थान गुजरात तटीय आंध्र प्रदेश तेलंगाना और तमिलनाडु में भी हो सकती है तेज बारिश। दिल्ली वालों को दूसरी बारिश का अभी करना होगा और इंतजार। अगले 2 दिन तक तेज बारिश के आसार नहीं। आज 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। डीडीए की आवासीय योजना 2019 का 23 जुलाई को ड्रॉ। 18,000 फ्लैटों का किया जाना है आवंटन। दिल्ली में ई चालान की शुरुआत। घर बैठे कर सकेंगे भुगतान। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने ई चालान और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। पेरू के अविनाश ज्वालामुखी से निकला लावा। आसमान में काफी दूर तक देखा गया धुएं का गुबार।